नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिडकैप बाजार। मार्केट में मजबूती कायम है। 7505 के स्तर, 50 के स्तर पर निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है और अभी 7650 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। आज पार्टिसिपेशन आ रहा है बैंकिंग स्टॉक से। प्रिसाइसली अगर निफ्टी बैंक को देखें तो अभी करीब 1% के गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपने 100 डेमा को पार किया है और उसी के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। खरीदारी है मिडकैप स्मॉल कैप शेयरों में भी, जहां पर ऑलमोस्ट 1% के गेंस अभी देखे जा रहे हैं। ये निफ्टी के कुछ चढ़ने वाले शेयर्स हैं आपके स्क्रीन पर, जिनमें अल्ट्राटेक सीमेंट है, पंजाब नेशनल बैंक, एसीसी, बीपीसीएल, भारतीय एयरटेल, इन सभी स्टॉक्स में 2 से 3% के आसपास से खरीदारी देखी जा रही है। गिरने वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर, जहां पर एशियन पेंट्स, ल्यूपिन, बीएचईएल, डॉक्टर रेड्डीज और विप्रो शामिल हैं। साथ ही आज के सेशन में अगर मिडकैप स्टॉक्स को देखें, जहां पर जोरदार एक्शन देखा जा रहा है, तो आप देखिए आज हर्कुलिस हॉइस्ट, एटलस साइकिल, ये कुछ शेयर जो जोरदार परफॉर्म कर रहे हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में अच्छी खरीदारी आज के सत्र में दिखी है। बीईएल, अशोक लेलैंड अपने फ्रेश 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहा है 101.45 के लेवल पर, 4.5% की मजबूती, और आईडीबी बैंक यहां भी 4% के आसपास गेंस देखे जा रहे हैं। कुछ पॉकेट जो आज परफॉर्म कर रही है उनमें सीमेंट शेयर्स हैं। बजट के बाद से ये पूरा स्पेस लगातार चल रहा है और आज के सत्र में भी लार्ज कैप ही नहीं, छोटे स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट, छोटे शेयरों में आप डालमिया भारत, साथ ही साथ रामको सीमेंट, इंडिया सीमेंट, प्रिज्म सीमेंट, इन सभी स्टॉक्स में जोरदार मजबूती आज के सेशन में बनी हुई है। छोटे मझोले इंफ्रा शेयर में जोरदार बढ़त है। आज जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स में खरीदारी दिखी है। एविएशन स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही साथ लॉजिस्टिक स्टॉक्स भी कई सत्रों के बाद आज थोड़ा सा चले हैं। लेकिन ऑन दी शो को एक बार देख लेते हैं कि अगले एक घंटे में हमारी अप्रोच क्या होगी। फटाफट आपको आपके सवालों पर तो एक्सपर्ट्स की राय दिलवाएंगे ही, साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो कि आज खबरों के दम पर चल रहे हैं, जोरदार एक्शन वाले शेयर्स आपको बताएंगे। इन्फीबीम आईपीओ भी रडार पर होगा। आईपीओ आने से पहले ही विवादों में घिरा है और आज आईपीओ ओपन हुआ है। एग्जैक्टली आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। एफ एंडो मार्केट का एक्शन भी बताएंगे। फटाफट शेयर होगा हमारा खास सेगमेंट और साथ ही साथ आज के सुपरहिट शेयर्स के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। दोनों जानकार हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे और साथ ही साथ मेरे सहयोगी मनोज भी मौजूद है मुंबई स्टूडियो से। लेकिन सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं शो में शामिल होने का। मिडकैप आप हमारा कीवर्ड है, मिडकैप आप लिखिए, अपना सवाल आपको मेंशन करना है और उसको भेज देना है 57575 पर। इसके अलावा फोन लाइन के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800180354, दूसरा नंबर है 01204258237। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज आप भेज सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7840024x0। और पहले कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर अब मौजूद हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। सत्य प्रकाश हैं सतना से। सत्य नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम मेरे पास आईडीएफसी के शेयर हैं, 1600 शेयर हैं जी, 54 रुपीज के रेट पे। ठीक है, मानस जायसवाल और राजेश गुप्ता हैं आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। मानस गुड आफ्टरनून। आईडीएफसी 54 रुपए पर ये खरीदे हुए इन्होंने आईडीएफसी के शेयर, अभी 38 पर आ चुका है, काफी नुकसान हो रहा है। क्या तरीका आप इनको सुझाएंगे ताकि अपने नुकसान को ये कम कर सकें? देखिए अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट तो अभी भी वीक लगते हैं, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स देखे जा रहे थे, लेकिन अब ये तो जरूर है कि कहीं ना कहीं 35 के आसपास स्टॉक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। बट इस बेस फॉर्मेशन का कंफर्मेशन तभी आएगा जब स्टॉक अपना 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज होगा और 50 दिनों के मूविंग एवरेज की वैल्यू 42-43 के आसपास आती है। तो मेरे हिसाब से बने रहें लेकिन अपना स्टॉप लॉस 35 रुपये के नीचे जरूर रखें और जब भी स्टॉक 42 के ऊपर निकले तब आप ये समझ सकते हैं कि कम से कम वहाँ से 20-22 रुपये का अपमूव देखने को मिल सकता है। श्योर, अगले कॉलर मिस्टर रवि कुमार फ्रॉम वेस्ट बंगाल। नमस्कार रवि, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल है वॉकआउट फार्मा के लिए जी। 150 शेयर जो है 932 okay. इंट्राडे के हिसाब से मैंने शॉर्ट किया, तो इसमें तो मुझे नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए? sure. पोजीशन को होल्ड करूं या काट दूं? और दूसरा सवाल है इंटेलेक्चुअल डिजाइन अरीना, 40 शेयर है 194 के हिसाब से, तो उसका भी क्या करूं? श्योर, आपको राय दिला दे। इनफैक्ट मानस वेरी क्विकली, इनफैक्ट जैसे उन्होंने बताया कि कुछ इनकी पोजीशन शॉर्ट है 150 और चेस 932 की लेवल पर उन्होंने ये पोजीशन बनाई हुई है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि वॉकआउट फार्मा पे अप्रोच क्या करनी चाहिए उनको? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि फार्मा में काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर वीकनेस बनी हुई है और शायद आने वाले टाइम में भी वीकनेस देखने को मिलेगी। बट वॉकआउट फार्मा ने जिस तरह का परफॉर्मेंस पिछले दिनों दिखाया है, मैं नहीं समझता ये शॉर्ट का कैंडिडेट है। मैं समझता हूँ कि फार्मा स्पेस को आपको लॉन्ग करने से अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ अभी भी वीकनेस लगती है, लुपिन या डॉक्टर रेड्डी जैसे। तो मेरी राय में अगर ये वॉकआउट फार्मा में शॉर्ट है
तो एक स्टिक स्टॉप लॉस 956 का रखें। अगर स्टॉक 956 के ऊपर जाए तो अपनी शॉर्ट पोजीशन से ऐसे एग्जिट हो जाए। जी चलिए, राय आपको दी गई है वॉकआउट पर। और एक एसएमएस ले लेते हैं, और ये एसएमएस आया है मैं अंशुल का दिल्ली से, केएनआर कंस्ट्रक्शंस पर। 200 शेयर्स इनके पास है, जो परचेजिंग प्राइस है वो 510 रुपए का है। क्या करना चाहिए राजेश? केएनआर कंस्ट्रक्शंस पर 506 पर ट्रेड कर रहे हैं, इनका परचेजिंग प्राइस 510 का है। देखिए दीपाली, अगर मैं ओवरऑल इंफ्रा कंपनीज की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में एक काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम देखा है हमने। मैं समझता हूं कि ओवरऑल सेक्टर इज ऑन द रिकवरी फेज, सो आई थिंक फिलहाल के लिए स्टॉक को यहां से होल्ड करना चाहिए। तो होल्ड ऑन टू केएनआर कंस्ट्रक्शन, ऐसा राजेश की राय है। इनफैक्ट राम सिंह है हमारे साथ जयपुर से। नमस्कार मिस्टर सिंह, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मेरे पास पीटीजी फाइनेंस पीएफएस बोलते हैं इसको, ये 300 शेयर है 52 रुपए में, और एक जीआईसी हाउसिंग भी है सर, ये भी 200 शेयर है। आपका जीआईसी हाउसिंग का कौन सा परचेस प्राइस है? 240। श्योर, आपको राय देगा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मानस, दो शेयर्स पर उनका आपकी राय चाहिए। इनफैक्ट पीटीसी फाइनेंशियल, जैसे उन्होंने बताया 300 odd shares, 52 के लेवल पर उनकी परचेस प्राइस है। सेकंड इज जीआईसी हाउसिंग, 240 odd levels पर उनकी परचेस प्राइस है, उनको यहाँ पे नुकसान हो रहा है। आपकी क्या रिकमेंडेशन है दोनों ही स्टॉक्स पर? देखिए पीएफएस की जहाँ तक बात है, स्टॉक काफ़ी समय से लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, बट पिछले दिनों स्टॉक ने 30 रुपये के आसपास बेस बनाया, 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया और अब उसके ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। ये कहना मुश्किल है कि इनके जो प्राइस 52 के हैं वो कितने दिन में आएंगे, लेकिन एक चीज़ कही जा सकती है कि शायद यहाँ से बहुत बड़े डीप कट आपको ना देखने को मिले। मैं समझता हूँ कि डीप कट से पहले एक अच्छा सा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, पॉसिबल है स्टॉक 42 और 45 की रेंज में आए। बट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर उछाल मिले और 42-45 की रेंज में आए तो वहाँ पर स्टॉक से निकल जाएं और पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन तभी बनाएं जब स्टॉक 54 के ऊपर क्लोज हो। तो मेरी राय में उछाल पे यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए। दूसरा स्टॉक मैं नहीं सुन पाया था, आप प्लीज रिपीट करेंगे? जीआईसी हाउसिंग 240 odd levels पर उनकी परचेस प्राइस। देखिए लॉन्ग टर्म चार्ट तो बहुत ही अच्छे लगते हैं जीआईसी हाउसिंग के। मैं समझता हूँ कि अभी भी अगर इनके पास है तो बिल्कुल बने रहें, नज़रिया बड़ा रखें। अगर 1 से 1.5 साल का टाइम फ्रेम रखेंगे तो इनको आसानी से 280 से लेकर 300 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में यहाँ पर पोजीशन बनाए रखें, अपना स्टॉप लॉसेस 195 के नीचे रखें। जी अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए विठल है हैदराबाद से। विठल नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी विठल, गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, मेरे पास गैब्रियल के 100 शेयर्स है और टाइम टेक्नो के 100 शेयर्स है। गैब्रियल 95 में लिया है और 52 में लिया है। ठीक है राजेश, क्या करना चाहिए? गैब्रियल इंडिया यहाँ पर 95 इनका परचेजिंग प्राइस है, 83 पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी 12 रुपए के आसपास का इनका नुकसान है। दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया टाइम टेक्नो, जहाँ पर इनका जो टाइम टेक्नो प्लस, जहाँ पर इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो 52 का है, 48 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी दोनों शेयरों पर? देखिए दीपाली, अगर मैं गैबल की बात करूं तो एक लीडिंग शॉक ऑब्जर्वर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनफैक्ट 2-व्हीलर और 3-व्हीलर में काफ़ी इनका स्ट्रांग प्रेजेंस है, एक अच्छा बैलेंस शीट है, नंबर भी काफ़ी अच्छा हमने देखा है। तो मैं समझता हूं कि अभी के लिए स्टॉक में बने रहें। टाइम टेक्नो की अगर मैं बात करूं तो द कंपनी बेसिकली इनटू प्लास्टिक प्रोडक्ट, जो मैं समझता हूं कि क्रूड प्राइसेस के ऊपर आने के बाद में शायद मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है गोइंग अहेड। तो एक बार अगर इनके भाव के आसपास स्टॉक आता है तो वहां से एग्जिट करें। श्योर, अगले कॉलर है मिस्टर जयेश अहमदाबाद से। नमस्कार मिस्टर जयेश, आपका सवाल कौन से स्टॉक पर है? मेरा LIC हाउसिंग का 600 मैंने शेयर परचेज किया 455 के रेट पर। अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या निकालना चाहिए? श्योर मानस, वेरी क्विकली LIC हाउसिंग फाइनेंस इज इन टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एंड आपको क्या लगता है कि टेक्निकल परस्पेक्टिव में इनको कौन कौन से फर्दर लेवल्स देखने मिल सकते हैं? हालांकि इनका परचेस प्राइस इज क्लोज टू 450 odd levels। देखिए लॉन्ग टर्म चार्ज तो जितने भी हाउसिंग कंपनीज हैं उनके अच्छे लग रहे हैं, और मैं समझता हूँ LIC में पोटेंशियल अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर 1 से 1.5 साल की बात करें तो मैं समझता हूँ कि जो 500-520 का रेजिस्टेंस काफ़ी समय से बना हुआ है, शायद 1 से 1.5 साल में वो बिल्कुल ब्रेक होगा और स्टॉक कोशिश करेगा 575 और 600 की रेंज में आने के लिए। इसलिए मेरी राय तो बिल्कुल ये रहेगी कि यहाँ पर बने रहें, अपने स्टॉप लॉसेस 420 के नीचे रखें।
अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत के लिए अरुण है आंध्र प्रदेश से। अरुण नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते मैडम, मेरे पास दो शेयर है, आरईसी, फर्स्ट वन इज आरईसी एट द रेट ऑफ 170 rupees 65 शेयर, दूसरा है हिंदुस्तान HOEC हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, बॉट एट द रेट ऑफ 30 rupees, नंबर ऑफ शेयर 290। ठीक है, तो ये दोनों कैसे है सर मैडम, ये शॉर्ट टर्म के लिए? ठीक है अरुण जी, आपको राय दिलवा देते हैं। राजेश, आरईसी तो इनके परचेजिंग प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा है, 170 पर इन्होंने खरीदा है, 169 का अभी का लेवल देखा जा रहा है, तो ना तो इनको नुकसान हो रहा है ना मुनाफा। दूसरा इन्होंने बताया HOEC, अगेन यहाँ भी जो परचेजिंग प्राइस इनका 30 rupees, उसी के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, तो दोनों स्टॉक्स इनके परचेजिंग प्राइस पर है, होल्ड रखें या फिर बाहर आके कोई और स्टॉक चुन लें? दीपाली, मैं समझता हूँ कि आरईसी में होल्ड करना चाहिए। आई थिंक जिस तरह से इंटरेस्ट रेट सिनेरियो गोइंग अहेड लग रहा है मुझे, आई थिंक द कंपनी शुड बेनिफिट गोइंग अहेड, और मुझे लगता है कि पावर सेगमेंट में एक अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल सकता है, जहाँ तक रेट ग्रोथ की बात है, तो आरईसी में होल्ड करें। HOCU मैं ट्रैक नहीं करता, तो मेरे पास उसके पास फिलहाल कोई व्यू नहीं है उसके। श्योर, अगले कॉलर है मिस्टर नदीम फ्रॉम भुवनेश्वर, नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हेलो, मैंने सर रिलायंस डिफेंस लिया था 72.95 में, 1000 शेयर, लेकिन सर उसका प्राइस बहुत डाउन चला गया, क्या करना चाहिए? आपको लाज जी, बिल्कुल आपको राय दिला देते हैं। मानस, वेरी क्विकली, रिलायंस डिफेंस जैसे उन्होंने बताया 72 odd लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है, पीपावर डिफेंस लार्जली वाज नोन अर्लियर, 66.70 इज द करंट मार्केट प्राइस, टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपको क्या लगता है कि फर्दर कितना डाउन साइड है और आपकी क्या सजेशन है इनके लिए? देखिए, मैं पिपावा अभी ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, तो इस पर व्यू देना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। जी चलिए अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। गोपाल है अहमदाबाद से। गोपाल नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल है L&T फाइनेंस पर है, बोलिए। लार्सन एंड टोब्रो फाइनेंस, वो मैं रख सकता हूँ 6 महीने, मैंने 55 में 200 शेयर लिया हुआ है और मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, मैं कर सकता हूँ? आपको राय दिलवा देते हैं। राजेश, L&T फाइनेंस 55 पर खरीदे हैं शेयर, 6 मंथ्स का व्यू है, 59 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए? और अभी प्रीवियस कॉलर की क्वेरी थी रिलायंस डिफेंस पर, अगर आप उस पर कमेंट कर पाए तो दोनों शेयरों पर आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए दीपाली, जहां तक L&T फाइनेंस की बात है, एक डाइवर्सिफाइड प्लेयर है कंपनी, बेसिकली इनका एसेट मैनेजमेंट बिजनेस भी है, SME लेंडिंग में भी है, तो मैं समझता हूँ गोइंग अहेड जिस तरह का इन्वायरमेंट है इंटरेस्ट रेट का, कॉस्ट ऑफ फंड शुड मूव डाउन फ्रॉम योर ऑनवर्ड, इट शुड रिफ्लेक्ट इन देयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड, तो मैं समझता हूँ फिलहाल L&T फाइनेंस तो होल्ड करें। जहां तक रिलायंस डिफेंस की बात है, मेरे पास कोई व्यू नहीं है, बिकॉज मैं स्टॉक ट्रैक नहीं करता। सो होल्ड ऑन टू L&T फाइनेंस है सर, राजेश की राय। अगले कॉलर मिस्टर वीरेंद्र फॉर हरियाणा, नमस्कार वीरेंद्र, आपका सवाल पूछे। सर मेरे पास टाटा मोटर के 135 शेयर हैं। जी, एक टाटा मोटर कौन से लेवल का परचेस प्राइस है आपका? हां जी, 135 रुपए। आपने कौन से लेवल पे टाटा मोटर्स के 380 में लिए हुए हैं? आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट मानस, वेरी क्विकली, टाटा मोटर्स 135 शेयर्स, 380 odd लेवल्स पर उनकी परचेस प्राइस है, 373 इज द करंट मार्केट प्राइस, टेक्निकल पर्सपेक्टिव में इनको, इनकी इन्वेस्टमेंट ने फर्दर रिटर्न्स कब तक देखने मिल सकते हैं? देखिए टेक्निकली स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग लगता है, 280 के आसपास बेस बना था, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे थे, और आज स्टॉक ने बहुत ही अहम रेजिस्टेंस 370 का ब्रेक किया है। ये जरूर है कि 200 डे मूविंग एवरेज 380 के आसपास है और शायद वहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस भी देखने को मिले, बट मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो लेवल्स भी ब्रेक होंगे, स्टॉक 410 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो मेरी राय में बने रहें और अपना स्टॉप लॉस 350 के नीचे रखें। आप देख रहे हैं मिडकैप बाजार, हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, राजेश गुप्ता हैं और साथ ही हमारे साथ मानस जायसवाल हैं, जो आपके सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। 7650 के आसपास निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, और अगर स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें तो आज PSU बैंक्स में खरीदारी दिखी है, सीमेंट स्टॉक्स लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, आज सेलेक्टिव बाइंग दिखी है, ऑटो स्टॉक्स में प्रेसेसली अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आज के सत्र में, लेकिन कौन से वो शेयर्स हैं जो कि आज जोरदार एक्शन में है खबरों के आधार पर, ये जान लेते हैं, और ये जानने के लिए चलते हैं सीधे साक्षी के पास न्यूज रूम। बताइए साक्षी, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स जो आज बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं?
शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे आज प्रेस्टीज एस्टेट्स के साथ। आज मिडकैप रियल्टी स्पेस में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स के अलावा आप सोभा डेवलपर्स को देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखिए, सभी में एक अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स आज सुबह फास्ट मनी के शो में आपको रेकमेंड किया गया था, जिसका टारगेट भी अचीव होते हुए नजर आया और अभी भी काफी ऊपर अपने टारगेट से ये तेजी के साथ ही बरकरार रहते हुए नजर आ रहा है। वाटेक बाबक होगा मेरा अगला शेयर। यहाँ पर FI 16 में 5,000 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को। फुलगा हवेला में ये ऑर्डर्स मिले हैं और अब तक के उच्चतम स्तरों पर कंपनी की जो ऑर्डर बुक वो पहुंचते हुए नजर आई है, जिसकी वजह से आज के सेशन के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर मिला है। और अभी भी आप देखेंगे तो 27-28 रुपए की बढ़त के साथ वाटिक बाबाग में कामकाज हो रहा है। जुबिलेंट फूड होगा मेरा अगला शेयर। यहां पर केटरिंग सेवाओं के लिए IRCTC के साथ जो टाइप है कंपनी का, वो उसे बढ़ाया गया है और डोमिनोज पिज्जा जो है अब 130 स्टेशन पर उपलब्ध होगा, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रिगर मिला है जुबिलेंट फूड को और तेजी के साथ यहाँ पर कामकाज होते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा लॉयड इलेक्ट्रिकल्स की अगर आप बात करें, करीब करीब 6-7% की तेजी के साथ यहाँ पर कामकाज हो रहा है। जनवरी टू मार्च में जो टेम्परेचर्स इंक्रीज हुए हैं उसकी वजह से जो AC की बिक्री हुई है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होते हुए नजर आया है। साधर्न स्टेट्स की आप बात कीजिए, वेस्टर्न स्टेट्स की आप बात कीजिए, यहाँ पर AC की बिक्री में उछाल देखने को मिला है और आगे जाते हुए महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु की बिक्री में भी करीब करीब 25% तक की इजाफे की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रिगर मिला है आज के सेशन के लिए लॉयड इलेक्ट्रिकल्स को। आखिरी शेयर होगा ड्रेजिंग कॉप का। आज PSU शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और PSU कंपनियों में दूसरे अंतरिम डिविडेंड के ऐलान की खबरें हैं, जिसकी वजह से इस पूरे स्पेस में आज एक बस देखने को मिल रहा है। ड्रेजिंग कॉप जो है इस पूरे स्पेस को लीड कर रहा है। 15-16% तक की इंक्रीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं और अभी भी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 50 रुपये की तेजी के साथ ड्रेजिंग कॉप में भी कामकाज हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी, 5 स्टॉक्स हाईलाइट करने के लिए। इनफैक्ट मानस, योर क्विक रिएक्शन ऑन एनी अदर स्टॉक साक्षी हैज जस्ट हाईलाइटेड, शी हैज स्पोकन अबाउट प्रेस्टीज एस्टेट, वाटेक वेबैक, जुबिलेंट फूड्स, लॉयल इलेक्ट्रिकल्स एंड ड्रेजिंग कॉर्पोरेशंस। देखिए, जितने भी स्टॉक के बारे में बात हुई है इसमें ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन डेफिनेटली काफी अच्छा लगता है। यहाँ पर वॉल्यूम्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं। स्टॉक ने अपने 200 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, बट ऑलरेडी 15% ऊपर होने के बाद मैं नहीं समझता यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए करेक्शन का, 360 के आसपास खरीदना चाहिए। बट अगर वाटेक वागबाग की बात करिए तो वहाँ पर ज़रूर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिस तरह के मूव देखने को मिले हैं। 50 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक ने टेस्ट किया और उम्मीद किया सकती है कि स्टॉक करीब 590 के लेवल्स टेस्ट करेगा आने वाले टाइम में। इसलिए मेरी राय में यहाँ पर एक लॉन्ग पोजिशन बनानी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 515 के नीचे रखने चाहिए। जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, दीपक अहमदाबाद से। दीपक नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए। जी नमस्ते मैडम, बताइए। मेरे पास हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का 1500 शेयर है और एवरेज है 33 रुपीज। ओके, 2-3 साल तक रख सकता हूँ, क्या करें? ठीक है राजेश, क्या सलाह आप इनको देंगे? HCC परचेजिंग प्राइस इनका 33 का है, लॉसेस में है, 19 पर भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन 2-3 साल का ये समय दे सकते हैं, तो 2-3 ईयर पर्सपेक्टिव से क्या स्ट्रेटेजी आप इनको रेकमेंड करेंगे? जी, जहाँ तक HCC की बात है, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सेक्टर एक रिकवरी फेस में है। जहाँ तक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की बात है, करीब 21,000 करोड़ के आसपास का इनके पास ऑर्डर बुक है, जो कि 5 टाइम्स ऑफ 9 मंथ FY16 कंसोलिडेटेड सेल्स का है, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। हालांकि बैलेंस शीट उतना अच्छा नहीं है, बट आई थिंक गोइंग अहेड जिस तरह का सेक्टोरल डेवलपमेंट देखने को मिला है, मैं समझता हूँ दिस कंपनी शुड डू वेल। उनका नजरिया भी लॉन्ग टर्म का है, तो मैं समझता हूँ स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। श्योर, अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर पवन बिहार से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून, ICICI बैंक का मेरे पास शेयर है 1268 के रेट पर, और HDIL का है 500 शेयर 69.50 पर, तो ICICI में मेरा रेट कब तक आ जाएगा? HDIL में तो नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा हो रहा है? श्योर जी, बिल्कुल आपको राय दिला दे। इनफैक्ट मानस, दो स्टॉक्स पर इनको आपकी ओपिनियन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ICICI बैंक 1000 और 6 268 की परचेज प्राइस, HDIL 70 और लेवल्स की उनकी परचेज प्राइस है। दोनों ही स्टॉक्स में इनकी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट कब तक आ सकती है और आपकी टेक्निकल पर्सपेक्टिव में क्या राय है इनके लिए? देखिए, ICICI बैंक की जहां तक बात है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली देखे जा रहे हैं। 50 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक ने ब्रेक किया है। मैं तो समझता हूँ कि पोटेंशियल अभी भी स्टॉक में है। स्टॉक अपना 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 260 के आसपास है उसको टेस्ट कर सकता है, तो मेरी राय में यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाए रहनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 219 के नीचे रखने चाहिए। दूसरा स्टॉक इन्होंने शायद SDIL बताया है। जी, HDIL at 70 odd levels की उनकी purchase price है। ओके, देखिए SDIL आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि
ऐसा लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म में एक बॉटम बना है 60 रुपए के आसपास। स्टॉक ने पिछले दिनों करेक्शन जरूर दिखाया बट कहीं ना कहीं 50 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो मेरी राय में 65 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। एक बार स्टॉक 75 के ऊपर जाएगा तो कम से कम 86 से लेकर 89 के लेवल देखने को मिलेंगे। जी परेश है मुंबई से, परेश गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन है आपका? दो क्वेश्चन है, जैसे एक तो आधा अभी कवर हो गया है और दूसरा, लेकिन मुझे दोनों के ही बारे में राय चाहिए। कौन से दो शेयर्स हैं आपके पास? मेरे पास मैडम पीटीसी हजार शेयर है 69 के भाव में, और अपना आईसीआईसीआई बैंक मेरे को 300 के टारगेट के लिए खरीदना है, तो कब तक अचीव हो पाएगा? ठीक है, दोनों पे आपको राय दिलवा देंगे। तो पीटीसी इंडिया है राजेश इनके पास, परचेसिंग प्राइस 65 का इन्होंने बताया, 63-64 पर ट्रेड कर रहा है, और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक के खरीदना चाहते हैं इन लेवल्स पर। 300 के टारगेट्स कब तक देखे जा सकते हैं, क्या राय होगी आपकी? देखिए दीपाली, दोनों स्टॉक में समझता हूँ होल्ड करना चाहिए। अगर उनको आईसीआईसीआई बैंक लेना है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से लिया जा सकता है। बैंकिंग सेक्टर परहैप्स आई थिंक थोड़ा रिकवरी फेज पे है, यहाँ से इंटरेस्ट रेट शुड कम डाउन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड। तो निम जो है जहाँ तक है बैंकिंग सेक्टर का इम्प्रूव होना चाहिए। एक बड़ा कंसर्न जो आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के वो है एसेट क्वालिटी को लेकर। मैं समझता हूँ एक मैक्रो रिकवरी होगी तो उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक जिन्होंने बताया कि पीटीसी इंडिया, मैं समझता हूँ कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है पावर ट्रेडिंग के अंदर। एक फिक्स मार्जिन पर वो काम करते हैं करीब 4 पैसे के आसपास का। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक मुझे लगता है कि एक लॉन्ग समर सीजन होगा तो वॉल्यूम में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है गोइंग अहेड। तो मैं समझता हूँ कि पीटीसी इंडिया को होल्ड करें, और आईसीआईसीआई बैंक अगर उन्होंने खरीदना है तो खरीद सकते हैं। फटाफट शेयर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं रजत के पास और उनसे जान लेते हैं आज के सुपर हिट शेयर्स, यानी फास्ट मूविंग शो में जो स्टॉक्स बताए गए थे उनकी परफॉर्मेंस का ब्यूरो लेकर रजत हमारे साथ मौजूद है। बताइए रजत, कौन से शेयर्स हैं? बिल्कुल फास्ट मनी स्पेशल सेगमेंट है, 7:30 बजे दिन की शुरुआत, ट्रेड की शुरुआत होने से पहले कुछ स्टॉक्स बताए जाते हैं आपको। उसमें प्रेस्टीज एस्टेट्स ये स्टॉक बताया गया था 145 के लक्ष्य के लिए, अब खड़ा है 153 पे, अपने टारगेट को ओवरशूट करके दिन के उच्चतम स्तर पे बहुत स्ट्रांगली खरीदारी हुई। प्रेस्टीज स्टेट्स में नहीं, कुछ और मिड कैप रियल्टी स्पेस में भी। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस पे दाव लगाने की सलाह दी गई थी, 535 का लक्ष्य इसने हासिल किया, एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री में कामकाज कर रहा है। अब सीएट टायर स्टॉक्स एक्टिव होंगे ये बताया गया था, और बजार खुलते ही सीएट पे मोमेंटम देखिए कितना शार्प देखने को मिला, और जो टारगेट दिया था 1145 वो अचीव कर चुका है स्टॉक। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से जबरदस्त कमाई हो रही है ट्रेडर्स की यहाँ पर। भारत फोर्ज एक और एफएनओ का स्टॉक था, और ये बतौर ईपीएस शेयर चुना गया था, एक स्ट्रॉन्ग खरीदारी। 865.75 का मौजूदा लेवल और 866 का ही टारगेट दिया गया था, उसी के आसपास ट्रेड हो रहा है। टाटा एलेक्सा आईटी स्पेस एक्टिव है मार्केट पर, खासतौर से मिड कैप छोटी मझौली कंपनियां, परसिस्टेंट सिस्टम्स, टाटा एलेक्सा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स बेट लगा रहे हैं, और टाटा एलेक्सा में भी जो टारगेट दिया गया था वो अचीव हुआ। और बिंदो फार्मा एक और शेयर, अब ये स्पाइक देखिए आप दिन के उच्चतम स्तर पर, और जो तेजी है और बिंदो फार्मा में ये और बढ़ती हुई नजर आ रही। तो कुछ ऐसी ही कॉल्स देखने के लिए 7:30 बजे आपको ट्यून इन करना है, फास्ट मनी आधे घंटे का शो होता है जिसमें 20 ऐसी कॉल्स बताई जाती है। शुक्रिया रजत, तो हर रोज देखिए फास्ट मनी सुबह 7:30 से 8 के दौरान, जहां पर 20 चुनिंदा ट्रेडिंग कॉल्स आपको बताई जाती हैं। अब शुरुआत करते हैं फटाफट शेयर्स की, और पहला सवाल भी ले लेते हैं ललित का गुवाहाटी से, बैंक ऑफ बड़ौदा 1100 शेयर्स हैं 145 के प्राइस पर। राजेश संक्षेप में रखिएगा, आपके कॉमेंट्स क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा पर? हमारी रेटिंग फिलहाल इसके बाय का है, तो मैं समझता हूँ स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अनिल ने हमें जयपुर से मैसेज किया हुआ है, मानस एबीजी शिपयार्ड 200 और शेयर्स 150 और लेवल्स की परचेज प्राइस, आपकी क्या कमेंट्स है उस पर? बने रहे स्टॉक में, 58 का स्टॉप लॉस रखे और कम से कम 80 रुपए के टारगेट्स पॉसिबल है। पार्थ त्रिवेदी का सवाल है राजकोट से, सिंप्लेक्स इंफ्रा पर इनकी क्वेरी है, 500 शेयर्स हैं, जो परचेसिंग प्राइस है वो 300 रुपए का है, क्या करना चाहिए सिंप्लेक्स इंफ्रा पर? राजेश सिंप्लेक्स में से निकल जाएं और एनबीसीसी या आईआरबी खरीदें। अकबर ने हमें मैसेज किया है कोलकाता से, डॉक्टर रेड्डीज 30 और शेयर्स 3000 की परचेस प्राइस, मानस व्हाट्स योर रिकमेंडेशन? मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए, 3000 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें, और पोटेंशियल की बात करें तो करीब 3400 के आसपास लगते हैं। राजेश कुमार का सवाल है पंजाब से, सेल 100 शेयर्स है, परचेसिंग प्राइस 47 का है, राजेश आपके कमेंट्स सेल पर? होल्ड करना चाहिए, मैं समझता हूँ कमोडिटी साइकिल इज रिकवरिंग, सो होल्ड ऑन द स्टॉक। शकुन ने हमें मैसेज किया हुआ है पुणे से, डीसीएम लिमिटेड 2000 शेयर्स एट 102 की परचेस प्राइस, मानस आपकी क्या राय है इस पर? देखिए बेस बना है स्टॉक में पिछले दिनों, 65 का स्टॉप लॉस रखे, बने रहे। पोटेंशियल की बात करें तो कम से कम 85 और 90 के लेवल्स देखे आ सकते हैं। जी हार्दिक पटेल का सवाल है मुंबई से, आईटीआई पर 1000 शेयर्स है, परचेसिंग प्राइस 28.5 का, आज पीएसयू स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी दिखी भी है, लेकिन क्या करना चाहिए राजेश? आईटीआई पर 24 पर ट्रेड कर रहा है अभी।
द कंपनी लीडिंग सप्लायर है टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए, मैं समझता हूँ स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद विद गुड बैलेंस शीट। सो आईटीआई होल्ड करें सर, राजेश की राय। ब्रजेश ने हमें मैसेज किया है ऑन सुजलॉन 1000 और शेयर्स, माना सर 21.35, आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस पर? कोई भी उछाल मिले जहां स्टॉक 14.50 रुपए के लेवल्स टेस्ट करे तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। जी अशोक कुमार का सवाल है जालंधर से, अशोक लेलैंड 200 शेयर्स है 20 रुपए पर, यानी काफी कई सालों पुरानी इनकी खरीद है और इनको तो कांग्रेट्स करना चाहिए क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट पर ये अभी बैठे हुए हैं और आज तो अशोक लेलैंड ने अपने फ्रेश 52 वीक हाइज भी टच किए हैं। मानस आपके कमेंट्स, यहां प्रॉफिट्स बुक कर लें या फिर बने रहें? बिल्कुल बने रहे, बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है, 115 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, इसलिए बने रहे, अपना स्टॉप लॉस 95 के नीचे रखें। विजय मिश्रा ने हमें मैसेज किया हुआ है, इस क्वेश्चन इज ऑन हेक्सावेयर, माइनस 100 और शेयर्स एट 249 की उनकी परचेस प्राइस है, टेक्निकल पर्सपेक्टिव में आपकी क्या कमेंट्स है? अभी भी स्टॉक पॉजिटिव लगता है, मैं समझता हूं बने रहना चाहिए, 254 का स्टॉप लॉस रखें, पोटेंशियल की जहां तक बात है कम से कम 295 और 300 के लेवल्स पॉसिबल है स्टॉक में। अजीत कुमार का सवाल है तमिलनाडु से, अल्ट्राटेक सीमेंट 100 शेयर्स हैं 3040 के प्राइस पर, सीमेंट्स में खरीदारी दिखी भी है, क्या करें राजेश अल्ट्राटेक सीमेंट में? होल्ड करें, आई थिंक द नंबर्स आर गुड, स्टॉक शुड बी होल्ड ऑन फ्रॉम हियर, होल्ड ऑन टू अल्ट्राटेक सीमेंट। प्रतीक सिंह रेणुकूट से हमें मैसेज किया हुआ है, माना सिंडाल को 100 और चेस 70, व्हाट्स योर रिकमेंडेशन? बने रहे स्टॉक में, 78 का स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट 90 रुपए और 90 रुपए के लेवल्स ब्रेक होंगे तो नेक्स्ट टारगेट 105 का है। नीलम जाधव का सवाल है सोलापुर से, सुबेक्स पर 250 शेयर्स इनके पास और जो परचेजिंग प्राइस है वो 11.5 रुपए का है, 8.5-9 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए राजेश? फंडामेंटली मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं स्टॉक के पर, मैं समझता हूं यहां से निकल करके टाटा लेक्सी लेना चाहिए। अभिषेक ने मैसेज किया पुणे सन फार्मा 20 और चेस 850 और लेवल्स की परचेज प्राइस, माइनस आपकी रिकमेंडेशन? कोई भी उछाल मिले स्टॉक 840 के लेवल्स टेस्ट करे तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। जी संजीव का सवाल है भटिंडा से और फोर्टी सिल्क के पर 1600 शेयर्स 193 के भाव पर, क्या करना चाहिए राजेश? मैं समझता हूँ हेल्थ केयर सेगमेंट में डॉक्टर लाल पैस बेटर ऑप्शन है, मैं समझता हूँ यहाँ से 40s में निकल करके डॉक्टर लाल पैस लेना चाहिए। मिस्टर सिंह ने हमें मैसेज किया फरीदाबाद से, बॉम्बे डाइन माइनस 500 और शेयर्स 47 की परचेज प्राइस है इनकी, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? मैं समझता हूँ कि उछाल पे यहाँ पर निकलना चाहिए, 48-49 के लेवल्स देखने को मिले तो वहाँ पर एग्जिट करने की सलाह रहेगी। फैजल का सवाल है उत्तर प्रदेश से, बलरामपुर चीनी पर 1000 क्वांटिटी है और परचेजिंग प्राइस 99.5 का है, क्या करना चाहिए राजेश बलरामपुर चीनी में? शुगर स्टॉक में समझता हूँ मैं उतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ तो रैली में निकलने की सलाह होगी और डाबर इंडिया में समझता हूँ बेटर ऑप्शन है लेने के लिए। हेमंत ने मैसेज किया है दिल्ली से, रिलायंस कैपिटल 370 और लेवल की परचेज प्राइस है, मानस आपकी क्या रिकमेंडेशन है? बने रहे रिलायंस कैपिटल में, अपना स्टॉप लॉस 350 रुपए के नीचे रखें, पहला टारगेट 385 रुपए है बट अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो नेक्स्ट टारगेट 418 का लगता है।